निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर इलाके के सैदपुरा गांव में बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चा को निकाल जिला ने रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 8-9 घंटा से जारी है। बच्चा को निकालने में सेना और स्थानीय जिला प्रशासन के लोग लगे हैं। फिलहाल जेसीबी से खुदाई करी जा रही है। जी गड्ढा में बच्चा गिरे है उस गड्ढा के समानांतर एक और सुरंग बनाई जाने की कोशिश करी जा रही है और उसके जरिए प्रशासन के लोग और जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग हैं बच्चा तक पहुंचने की कोशिश में हैं। लेकिन फिलहाल एक चिंताजनक बात यह है कि जो बच्चा पिछले करीब 2-2.5 घंटा से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हो। हालांकि बताई जा रही कि बहुत छोटा बच्चा है तो हो सकत के घबराहट या बेहोशी की स्थिति में हो बे। लेकिन फिलहाल प्रयास जारी हैं। लगातार बड़ी संख्या में प्रशासन और रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग लगे हैं ये बच्चा को सुरक्षित निकालने की कोशिश में। 8-9 घंटे का समय बीत गया है और रेस्क्यू भी जारी है। प्रशासन, SDRF, सेना सभी लगे हुए हैं। क्या उम्मीद है, कब तक ये रेस्क्यू चलेगा? हमें पूरी पूरी उम्मीद है और हमारे प्रयास बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के ही है। चूँकि नया जिला था इसीलिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन फिर भी कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदया ने इस पूरे ऑपरेशन के लिए SDRF, आर्मी सभी जगह से कोऑर्डिनेट करके जल्द से जल्द संसाधन मुहैया कराए हैं। और हमारा पूरा प्रयास यह है कि अगले 2-3 घंटे में हम उसको रेस्क्यू करना है। ये क्या स्ट्रेटजीज है, पूरी क्या रणनीति है जिसके तहत इस बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा? देखिए, इसमें एक्सपर्टाइज जो आर्मी के अधिकारी हैं आए हुए हैं उनके पास है और उन्हीं के नेतृत्व में यह पूरा ऑपरेशन चल रहा है। कुछ इस तरह से होगा कि पहले खोदा जा रहा है, सुरंग बनाई जाएगी, उसी तरीके से पूरा रेस्क्यू होगा क्या? जी बिल्कुल, वो पूरा उनके बताए हुए अनुसार जो मानक हैं उसी हिसाब से किया जाएगा ताकि बच्चा सुरक्षित निकाला जा सके। तो आपको कितनी उम्मीद है 12 बजे तक रेस्क्यू हो जाए? हम उसके बहुत पहले कंप्लीट कर लेंगे। दीदी, अब तक कुछ बच्चे को खाने के लिए कुछ भेजा गया उसके अंदर? देखिए, बच्चा बहुत छोटा है, बड़े व्यक्ति भी ऐसी अवस्था में होने पर कई बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चा बहुत छोटा है। तो शुरुआत में जो रिस्पॉन्ड कर रहा था वो अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? अभी पिछले 2 घंटे से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन बच्चा की हालत स्थिर है। दरअसल आज सवेरे लगभग 10 बजे के आसपास एक 4 साल का बच्चा प्रहलाद कुशवाहा गांव के बोरवेल के गड्ढा में गिर गया तो और इसके पास से लगातार उखो निकालने के प्रयास हो रहे हैं। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।